सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2D एरे डीएस। देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है 6x6 2D एरे ARR। ओके, एक ARR दिया है, ये इसकी वैल्यू है 2D एरे की। एन आर क्लास इन ए इज अ सबसेट ऑफ वैल्यूज विथ इंडिसेस फॉलिंग इन दिस पैटर्न इन ARR। तो ये एक पैटर्न है सबसेट का जिसमें वैल्यूज हैं ये, जैसे 111 हो गया, 1 हो गया एंड 111। ये एक आर क्लास है सबसेट, आर क्लास की तरह दिख भी रहा है बेसिकली। ओके, और उसमें ये सेवन सेवन वैल्यूज है। देर आर 16 आर क्लास इन ARR। एन आर क्लास सम इज द सम ऑफ आर क्लास वैल्यूज। ओके, सारी आर क्लास में जितनी भी वैल्यूज हैं उसका सम जो होगा वो आर क्लास सम होगा, नॉर्मल सी बात है। कैलकुलेट द आर क्लास सम ऑफ एवरी आर क्लास इन ARR, देन प्रिंट द मैक्सिमम आर क्लास सम। द एरे विल ऑलवेज बी 6x6। तो हमें मैक्सिमम आर क्लास सम निकालना है, 16 में से मैक्सिमम निकालना है। ओके, अब हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है और ये इनके सम है, 16 सम है। ओके, -63 किसका होगा? -9, -9, -9, नाइन, -9, और ये 7 -9 का जो आर ग्लास है इसका सब -63 है। अब -34 किसका होगा? डेफिनेटली इसका होगा, -9 -9 1 0, -9 -9 1, ये दूसरा आर ग्लास होगा, राइट। एक तीसरा आर ग्लास ये है, -1 ये है, -9 1 1 4, -9 1 2, ये तीसरा आर ग्लास है। और ये फोर्थ आर ग्लास है, 1 1 1 3 1 2 3, इसकी वैल्यू 12 है। ठीक है, ऐसे ही बाकी बाकी तीन में भी ये आर ग्लासेस है, ये सब आर ग्लासेस हैं। ओके, 0 4 3 1 8 6 6, ये भी एक आर ग्लास है। 4 2 3 2 6 6 0, ये भी आर ग्लास है। इन दोनों के सम 28 और 23 है। तो ऐसे 16 आर ग्लास है पूरे, ऐसे 16 आर क्लास हैं पूरे 6x6 के 2D एरे में। ओके, और हाईएस्ट सम इसमें दे रखा है कि 28 होगा, 0 4 3 1 8 6 6 का, इसका 0 4 3 1 8 6 6, ये जो आर क्लास है इसका सम होगा। ओके, अब सैंपल इनपुट देखते हैं। सैंपल इनपुट ये है, इसमें बहुत सारे आर क्लास हैं यहाँ पे, जैसे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है ये एक आर क्लास होगा पहला जो कि है ये 111 और 111। फिर दूसरा आर क्लास ये दे रखा है, 110 0 110। ऐसे ही इन तीन में चार होंगे, आ आ तो ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा। हाँ, तो हम सबसे पहला आर ग्लास कैसे निकालेंगे, है ना? सबसे पहला आर ग्लास की वैल्यू फाइंड करने के लिए मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आई, जो कि पहला यानी कि रो इंडिकेट करेगा। ओके, रो का इंडेक्स इंडिकेट करेगा आई, एंड जे जे इंडिकेट करेगा कॉलम की वैल्यू। ओके, यानी कि ये एलिमेंट जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, A00 A00, जिसमें ये पहली वैल्यू रो की जो है वो आई है और दूसरी वैल्यू जे है, ये मान लेते हैं। ओके, सो सपोज आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है। ओके, आई और दोनों की वैल्यू 0 है। अब हम इसको क्या, कैसे आई और जे के टर्म्स में पहली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 0,0 है और आई की वैल्यू दोनों की 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई कॉमा जे। इस इंडेक्स को हम आई कॉमा जे से भी लिख सकते हैं। अब हम सेकेंड इंडेक्स को आई कॉमा जे के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इस वाले एलिमेंट को आई कॉमा जे +1, राइट।
ये जो तीसरी एलिमेंट है वो होगा जे प्लस टू, है ना। ये क्या हो जाएगा, आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, राइट। अब सिमिलरली हम सबका नोटेशन ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें नेक्स्ट आर क्लास चाहिए, तब क्या करेंगे हम, अगर हम जे की वैल्यू में एक और बढ़ा दें, है ना, अगर जे की वैल्यू में हम एक और बढ़ा दें तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला एरे आ जाएगा, राइट, ये वाला आर ग्लास आ जाएगा, है ना, ये वाला आर ग्लास आ जाएगा, एक राइट वाला आर ग्लास आ जाएगा, अगर हमने जे की वैल्यू बढ़ा दी जब आई जीरो ही है ना, और हम जे की वैल्यू फिर से बढ़ा देंगे तो ये वाला आर ग्लास आ जाएगा, है ना, और जे की वैल्यू अगर हम फिर से बढ़ा दे तो ये आखिरी वाला एरे वो आ जाएगा आर ग्लास। तो हमें जे की वैल्यू को कितना बढ़ाना है, 1 2 3 4, 4 बार चलाना है हमें जे आई की कांस्टेंट वैल्यू पे, आई की ए की वैल्यू पे हमें 4 बार जे को चलाना है। सपोज हमने आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, हमने आई की वैल्यू को +1 कर दिया तो क्या होगा, अब आई यहाँ पे अगर +1 हो जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये तो आई +3 हो जाएगा ना, तो ये वाला आर ग्लास आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आई की वैल्यू जब 1 है तब भी हमें 4 बार चलाना पड़ेगा ये, है ना, ताकि हम ये वाले आर ग्लास भी ले सकें, ये वाले आर ग्लास। तो हमें हर आई की वैल्यू पे जे 4 बार चलाना है ताकि हम सारे आर ग्लासेस को ले पाए। अब जे 4 बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तब जे 4 बार चलाना पड़ेगा हमें, है ना, फिर आई की वैल्यू जब 3 होगी तब हम जे 4 बार चलाएंगे। अब इतना तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि आई जो होगा वो एक आउटर लूप होगा जिसके अंदर जे का लूप 4 बार चलेगा, है ना, और आई कितनी बार चलना है, आई भी 4 बार चलना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें आखिरी हमारा आखिरी आर ग्लास ये होगा आई के लिए। तो आई को हमें 4 बार चलाना है 0 से 3 तक, ओके, और जे को भी हमें 0 से 3 तक चलाना है। अब चलते हैं कोड की तरफ, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे मैक्स सम, हम सम लेने के लिए मैक्सिमम सम कौन सा है, ओके, एक सम ले लेंगे। अब हम यहाँ पे लूपिंग लगाएंगे फॉर आई इन रेंज रेंज 4, तो ये हो गया हमारा आउटर लूप जो कि रो डिपेंड करता है हमेशा आई, और फिर एक इनर लूप लगाएंगे हम जे इन रेंज 4 जो कि वो भी 4 बार चलेगा। अब एक टेम्परेरी वेरिएबल में हम सम स्टोर करेंगे जो कि है एस, ओके, इस एस में हम सम स्टोर करेंगे उस आर ग्लास का। अब आर ग्लास के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जस्ट यहाँ पे हमने लिखा था, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे आई जे प्लस वन आई कॉमा जे प्लस टू, अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आई और जे के रिस्पेक्ट में जितने भी इंडेक्सेस हमने दिए हैं बस उनका हमें सम करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए आर आर अब ये हमारे पास क्या आ गया, सम उन 7 एलिमेंट्स का। अब हमें चेक करना है कि अगर जो ये जो टेम्पररी सम है ये बड़ा है मैक्सिमम सम के, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम सम हो जाएगा जो अभी करंट सम है इसका, जो करंट आर ग्लास चल रहा है उसका सम, तो इससे हमारे पास मैक्सिमम सम आ जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी आर ग्लास हैं 16 आर ग्लासेस उनमें से मैक्सिमम वैल्यू ही अगर नेगेटिव होगी तो इसमें हमारा कोड वर्क नहीं करेगा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम सम 0 है, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट हमने रखा था वो ही मैक्सिमम है, तो वैल्यू एरर मतलब रॉन्ग आंसर देगा। इसके लिए इन लोगों ने एक हिंट दिया है कि जो आई जे की वैल्यू होगी
वो 9 या -9 से ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, राइट। इसका मतलब है अगर आर ग्लास में सारी वैल्यू -9 होंगी तो -63 आंसर आएगा, राइट। हम अगर मैक्सिमम सम को -64 ले लें, क्योंकि -64 वैल्यू जा ही नहीं सकती किसी आर ग्लास सम की, तब ये कोड इजीली रन हो जाएगा। रन करते हैं, चल रहा है बढ़िया। सैंपल टेस्ट केसेस में तो चल रहा है, बाकी में भी चल रहा है। सो यही था कि बस हमने दो लूप चला दिए, एक फॉर, एक आई के लिए, रोज के लिए, एक कॉलम के लिए। हर रो के लिए कॉलम 4 बार चलता है और उसमें हमने सारी वैल्यूज का सम ले लिया, आई के रिस्पेक्ट में सब एलिमेंट्स को रेफर करके सम ले लिया। उसका चेक कर लिया कि मैक्सिमम सम से ये सम अगर बड़ा है तो मैक्सिमम सम ये सम हो जाए, फिर रिटर्न कर दिया मैक्सिमम सम। इजी कोड है। तो यही था, होप्सो की समझ में आया हो। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, उसमें और आगे पढ़ेंगे।